सर लेते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ट्राई करेंगे सारे के सारे बच्चे ढंग से सुनेंगे और इनको लेक्चर्स को 2 से 3 बार करेंगे करेंगे। अच्छा देखते हैं बच्चे कैसे करते हैं। अब मैंने एक टॉपिक जो भेजा था, पेज नंबर 28 खोल लेंगे, पेज नंबर 28 ट्रिग्नोमेट्री का मैंने जो असाइनमेंट भेज रखा है ग्रुप में, 11th के ग्रुप में भेजा, अभी भी भेजा होगा दोबारा। देखो बच्चे पहला टॉपिक है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, AMGM, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM और एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, इनके ऊपर बेस्ड और कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब एक बार हम चीज देखते हैं कि कैसे कैसे करना है हमने। लेट सपोज मेरे पास क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 है, एक्स और वाई का सॉल्यूशन निकालना है, एक्स और वाई के सॉल्यूशन निकालने हैं 0 से 2π में, 0 से 2π, ठीक है। गर्व 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 बच्चे आवाज आ रही है? स्वयं स्वयं हाँ सर। आप बच्चे बोलो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 2, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है बोलो सर? 0 और 1। साइन स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 1 और साइन स्क्वायर वाई की मिनिमम मैक्सिमम क्या होगी? 0 मैक्सिमम 1। 0 और मैक्सिमम 1, ठीक है, यही होती है ना हमारी। Yes, तो इसका मतलब अगर मेरी दोनों साइड में इक्वालिटी अगर होगी, अगर दोनों साइड इक्वल होंगी तो दोनों की क्या होनी चाहिए, एक्स की और वाई की क्या होनी चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई की मैक्सिमम वैल्यू लूंगा तभी आंसर 2 आएगा। Yes, sir. ठीक है, तो यानी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी क्या होगी आपकी, साइन स्क्वायर एक्स मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर वाई मस्ट बी इक्वल टू 1। नहीं तो एक और चीज देखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो 2 है और इक्वेशन जो है वो 1 है, तो इसका मतलब कोई ना कोई ट्रिक जरूर लगी होगी तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 कब होती है? जब एक्स की वैल्यू क्या होती है π/2 और एक्स yes, की वैल्यू क्या होगी 3π/2 और वाई की वैल्यू भी वही क्या हो गई π/2 और वाई की वैल्यू क्या हो गई 3π/2। 3π/2 कैसे 1 होगा? साइन स्क्वायर 3π/2 इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाय टू, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर, ये माइनस ये आ जाएगा माइनस कॉस सॉरी माइनस यहां पे आया माइनस साइन पाई बाय टू की पावर 2, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू 1 होता है तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये भी 1 और ये भी 1, तभी आंसर क्या है 2। इसमें इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है? सर आप एक बार, आर्यन कोई डाउट है? सर ये हमें बस हिट एंड ट्रायल से करना है ना बच्चे, जब भी आपके ना एक क्वेश्चन में 2 वेरिएबल दे रखे हो और एक ही क्वेश्चन दे रखी है तो इसका मतलब हिट एंड ट्रायल से ही होगा वो। ओके क्लियर है? यस सर। सर x = 3π/2 से दोबारा समझा दो। अच्छा 3π/2 यहाँ पे देखेंगे बच्चे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 कब होती है? साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 कब होती है? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 2 लिखता हूँ। यस सर। ठीक है, तो या तो साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाय 2 लिख दो प्लस माइनस 1। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एक तो पाई बाय 2 आ जाएगा, एक आ जाएगा माइनस 1 कब होता है, माइनस साइन पाई बाय 2, तो 3π/2 वही सॉल्यूशन लिखा था बस मैंने और कुछ। ओके सर। ठीक है, ये बात समझ आ गई है गर्व? यस सर। गर्व अब दूसरा क्वेश्चन तुम बोलोगे? यस सर। रेस्ट ऑफ 3/4 और 1/4 भी हो सकता है। क्या 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 सर? उसकी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3/4 और वाई की 1/4 भी हो सकती है ना, तब भी तो 2 ही आएगा। तो बच्चे एक मिनट, तब आंसर 2 नहीं आएगा, तब आंसर 1 आएगा ऐड करके। ठीक है, मुझे क्या चाहिए था, साइन स्क्वायर एक्स, एक बार मैं पीछे वाला बोर्ड दिखा देता हूँ,
यहाँ पे मेरे को आंसर जो चाहिए था वो टू चाहिए था, मेरे को वन नहीं चाहिए। अगर आप बोल रहे हो इसकी वैल्यू थ्री बाय फोर पुट कर दो और इसकी वैल्यू वन बाय फोर पुट कर दो तो आंसर विल बी वन नॉट इक्वल टू टू। बात समझ आ गई? ओके सर, सॉरी। क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब एक ये कहता है गर्व तुम बोलना। यस सर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई मस्ट बी इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस टू जेड माइनस थ्री। सॉल्व फॉर एक्स वाई एंड जेड। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। क्वेश्चन समझ आ गया? डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू दिस। अब ये बता कितने वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में? सर तीन। तीन वेरिएबल्स। कितनी इक्वेशंस हैं? सर एक। सॉल्व हो सकता है किसी तरीके से? सर राइट साइड को पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कुछ कर सकते हैं। एक मिनट अभी रुक जाओ, एक मिनट। वैसे कोई नॉर्मल तरीका तो नहीं होगा ना? नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर तीन होते और इक्वेशंस भी तीन होती तब सॉल्व हो सकता था। इसमें कोई ट्रिक है? ये बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा अब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी जल्दी बताओ। सर जीरो से वन। और साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? सर जीरो से वन। और इन दोनों के सम की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? सर जीरो से टू। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब राइट साइड कंप्लीटिंग स्क्वायर्स करते हैं। जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस थ्री जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। यस सर। ये ठीक है? आप मेरे को बताओगे क्या आना चाहिए? सर जेड माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर माइनस, ये बच्चे प्लस थ्री होगा क्वेश्चन में, प्लस थ्री होगा। ठीक है क्वेश्चन में प्लस थ्री होगा। ठीक है तो प्लस टू। अब मेरे को ये राइट साइड की वैल्यू किससे ज्यादा है? सर जीरो से। ये पूरे की बच्चे, पूरे की सर टू से ज्यादा। ये वैल्यू तो टू से, ये जीरो से ज्यादा है और ये टू से ज्यादा है तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। सही है? तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर वैल्यू सोचूं मैं, टू से हमेशा क्या है? कम है। ठीक है? और राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा टू से क्या है? सर ज्यादा। और ये बराबर कब होंगे? सर टू पे। टू पे भी बराबर होते हैं और कोई वैल्यू पे बराबर होते हैं? नो सर। यानी साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर टू। वन होनी चाहिए ना, वन वन करके टू आ जाएगी। अच्छा सर वैसे वन। हाँ सर। जेड माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? सर टू। ठीक है तो एक्स और वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? पाई बाय टू या थ्री पाई बाय टू भी बोल सकते हैं। और z की वैल्यू क्या आ गई? z माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो z इक्वल्स टू वन। ये बात समझ आ गई? पाई बाय टू, पाई बाय टू और वन एक सॉल्यूशन हो गया इसका। आर्यन बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है आप बोलेगा क्यों ने कृष्णा? कृष्णा आसर आसर। कृष्णा अब आपने बोलना है रूट एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू रूट टू इंटू साइन वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट दिस इक्वेशन इज वैलिड। क्वेश्चन समझ आ गया है? हाँ सर। अच्छा अब मेरे को एक बात बता, लास्ट क्लास में मैंने बोला था एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल किससे बड़ा होता है? सर वो बड़ा टू से। टू से कैसे निकाला था हमने? माइनस टू प्लस टू किया था, इसको लिखा था रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या पुट कर दी थी? रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स जीरो, क्योंकि होल स्क्वायर की क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? वन बाय रूट एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स, एक्स इक्वल्स टू वन। ये बात समझ आ गई थी? जब एक्स की वैल्यू वन होगी तभी मिनिमम वैल्यू आएगी और वो मिनिमम वैल्यू होगी टू। कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा x प्लस वन बाय एक्स की मिनिमम वैल्यू अब क्या बोलूं, इधर रूट के अंदर है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? टू होगी, टू का रूट हो गया, टू रूट टू हो गया तो ये राइट लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो रूट टू से बड़ी होगी। ये बात समझ आ गई? अब साइन वाई की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है जल्दी बताओ।
सर वन से जीरो तक माइनस वन से वन माइनस वन साइन स्क्वायर रूट टू साइन वाई की मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक माइनस रूट टू से प्लस रूट टू. अच्छा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किससे बड़ी है सर रूट टू से. और राइट हैंड साइड की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है सर माइनस रूट टू से प्लस रूट टू तक. कब बराबर है रूट टू पे रूट टू पे यानी एक्स प्लस वन बाय एक्स किसके बराबर टू के बराबर हो गया रूट टू का रूट हटा दिया तो और रूट टू साइन वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया रूट टू तो साइन वाई इक्वल्स टू वन तो वाई इक्वल्स टू कितना आ गया इसके पाई बाय टू. कोई डाउट है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब ये टू किसके बराबर होता है जब एक्स की वैल्यू क्या होती है वन के बराबर. कोई डाउट नहीं सर समझ आ गया बिल्कुल ढंग से. हाँ सर ठीक है. अब नेक्स्ट बोलेगा आर्यन तुम बोलो. यस सर. आर्यन थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स है इक्वल टू आपको बोला है वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस नाइन. ये वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस नाइन ये दोनों बराबर हैं हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन समझ आ गया है? यस सर. अच्छा अब मेरे को ये बता कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल्स ना बच्चे. और कितनी इक्वेशंस हैं? एक कितनी इक्वेशंस हैं? एक. तो ट्रिक लगेगी. यस सर. अब ये बता थ्री साइन थीटा ये वाली टाइप हमने पढ़ी थी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा. यस ठीक है. किससे बड़ा हो इसकी वैल्यू किससे बड़ी होती है माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स अगर हम बोलें तो किससे बड़ा हो गया माइनस माइनस फाइव से बड़ा और फाइव से छोटा. वेरी गुड. थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर. अब ये वैल्यू कहां से कहां तक हो गई माइनस फाइव से प्लस. डाउट है? नो सर. अब y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9 है राइट साइड में क्या करूं सर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 9. कोई डाउट है? नो सर. ये हो गया हमारा y प्लस 2 का होल स्क्वायर 9 माइनस 2 के 9 माइनस 4 कितना हो गया 5. ठीक है. अब लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन देखो कहां से कहां तक लाई कर रहा है माइनस फाइव से फाइव तक. ये बात समझ आ गई? यस सर. और राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो जीरो प्लस फाइव फाइव से बड़ी होगी. ये बात समझ आ गई? यस सर. तो ये वैल्यू बराबर कब होंगी वैल्यू फाइव पर बराबर होंगी यानी थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स मस्ट बी इक्वल टू फाइव y प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस फाइव इक्वल्स टू फाइव y इक्वल्स टू माइनस टू आ गया. अब इसको वैल्यूज निकालनी है तो आप कैसे भी निकाल दो कैसे निकाल सकते हो बच्चे बताओगे कोई वैल्यू? या तो एक काम करो फोर कॉस एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखो फाइव माइनस थ्री साइन एक्स स्क्वायरिंग कर दो तो क्या आ जाएगा 16 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 25 प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स 2, 3, 6, 6, 5, 30 sin x. डाउट है कोई? नो सर. आपका राइट साइड आया 25 sin स्क्वायर x सॉल्व करके लिख रहा हूं. यस सर. और माइनस ये कितना आया 30 sin ये आ गया माइनस 30 sin x और आगे क्या आया माइनस 16 सही है प्लस 9 हो जाएगा सर 25 भी है ना. अच्छा 25 माइनस 16 9 आएगा 9 आएगा. यस सर. ठीक है. तो ये किसी का होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा? नो सर. एक बार चेक कर ले 5 sin x का अच्छा माइनस 9 है कि प्लस 9 है प्लस 9 है तो 5 और 3 2 5 का 10 3 था ये आ गया 5 sin x माइनस 3 का होल स्क्वायर. कोई डाउट? साइन एक्स की वैल्यू 3/5 एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5
बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब नेक्स्ट विधि। यस सर। विधि तुम बोलना अब। बच्चे इक्वेशन दे रखी है 4 raised to 6 square alpha, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस हाफ इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, क्या बोल रखा है, इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। इफ दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन समझ आ गया है? यस सर। अच्छा रियल रूट्स कब होते हैं बोलो? एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रियल रूट्स कब होते हैं? जब डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। विधि कोई डाउट है क्या? नहीं सर, मेरे को लगा वो इमेजिनरी वाले में जो आपने कराया था ना z डॉट z बार टाइप थोड़ा। कोई बात। अब यहाँ पे a कितना है 4 raised to 6 square alpha, b कितना है 2, c कितना है बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस हाफ। कोई डाउट है बोलो? नो सर। अब एक बात बताओ इसमें कि अच्छा मेरे को sec square alpha की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो? सर 1 से इंफिनिटी। sec square alpha की वैल्यू 1 से कहां तक होती है? इंफिनिटी। डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? b square minus 4ac। b कितना है? 2। यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। डाउट तो नहीं है ना बच्चे पक्का? नहीं सर। 4 less than equals to 4 into 4 raised to 6 square alpha into beta square minus beta plus half. 4 से 4 कट गया, less than equals to क्या लिख दूं? 1. Doubt तो नहीं? No sir. सही है? अब ये बताओ कितने variables हैं? 2. और कितनी equations हैं? 2. दो कहाँ दिख रही है तुम्हें? नीचे और ऊपर। एक यही तो equation है बस? ओके सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 raised to 6 square alpha की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? 4 raised to power 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस हाफ, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स करो, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2। डाउट है? नो सर। बीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर 1/2 माइनस 1/4 इज 1/4। डाउट है? नो सर। यहां तक बात समझ आ गई? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1/4। अच्छा अब बताओ मुझे 1 is less than equals to, अब इसकी मिनिमम ये प्रोडक्ट यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किससे छोटी है? 1 से क्या है, छोटी है बड़ी है? 1 के बराबर और उससे छोटी है, ठीक है, 1 से छोटी। और राइट साइड की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू 4 इंटू 1/4 कितनी होगी मिनिमम? 1 होगी ना, ये 4 पहला एक्सप्रेशन 4 आ गया, दूसरा एक्सप्रेशन 1/4, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1। 1 से बड़ी रहेगी ना? यस सर। तो इसका मतलब बराबर कब होंगे? 1 पे। 1 पे बराबर होगा यानी 4 रेज टू 6 स्क्वायर अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू बड़ा ही रहेगा ना। यस सर। 1 से राइट साइड जो होगी वो 1 से बड़ी रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड जो होगी 1 से छोटी रहेगी, सही है? तो इसका मतलब 4 बराबर कब होंगे? जब 4 रेज़ टू 6 स्क्वायर अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 1
और यानी sec स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू निकाल लेना इससे, और दूसरी बात बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। सही है, क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस, बात समझ आ गई है? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन का आंसर देगा अब कुणाल बच्चे। कुणाल? यस सर। हाँ बच्चे, समझ आ गया अभी तक? यस सर। टैन स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस वाई, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब हमें निकालना है x और y की वैल्यू। क्वेश्चन में अब ये बताओ मुझे, ये एक नंबर है और ये उसका रेसिप्रोकल है, हाँ कि नहीं? cot square है, सॉरी ये tan square x plus y है, ये cot है, उल्टा यस सर, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होगा। अब yes, दूसरी बात, कितने वेरिएबल्स हैं और कितनी इक्वेशंस हैं? टू वेरिएबल वन इक्वेशन, तो ट्रिक लगेगी। यस yes, सर। तो अब अगर मैं बोलू tan स्क्वायर x प्लस वाई प्लस cot स्क्वायर x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 2। ये बात समझ आ गई? यस सर, वही रेसिप्रोकल वाला x प्लस वन माइनस सम ऑफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, 2 से बड़ा। यस सर। अब y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। कोई डाउट? नो सर। अब ये बता मुझे कि tan स्क्वायर x प्लस y प्लस cot स्क्वायर x प्लस y इसकी वैल्यू किससे बड़ी है? 2 से। और इसकी वैल्यू y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट साइड में 0 लाना, 2 से छोटी है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? माइनस 2। माइनस टू से बड़ी, माइनस टू से बड़ी, सही है कि नहीं? तो इन दोनों की, इन दोनों का यानी इन दोनों का सम कितना आएगा? जीरो। जीरो से हमेशा वैल्यू बड़ी रहेगी कि छोटी रहेगी? बड़ी रहेगी। बड़ी रहेगी, तो इसका मतलब अगर हमारे को इक्वल टू जीरो बनाना है तो टैन स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू 2 और y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। कोई डाउट? ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। हां बोलो सर। tan स्क्वायर x प्लस y प्लस cot स्क्वायर x प्लस y की मिनिमम वाली 2 नहीं होगी? 4 कैसे होगी बच्चे? सर अगर हम x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर कर दें। हां बोलो क्या चेंज आया इसमें बताओ? गलत तो नहीं है? नहीं सर। हाँ बोलो। हाँ बोलो, क्या डाउट सर? ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 कैसे आया सर? y इक्वल टू माइनस 2 है। आप बताओ, y प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, y प्लस 1 बाय 1 ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? तो y प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? प्लस माइनस रूट 2। y इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2 माइनस 1। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब tan square yes, x plus y must be equal to 1 होना चाहिए, तभी ये 2 बनेगा। Yes, sir. ठीक है, तो आपका ये हो गया tan tan square pi by 4 x plus y equals to pi by 4 x equals to pi by 4 minus y, y की ये वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। रिजॉइन करना है, आज दो टॉपिक्स होंगे आज, ठीक है सर? अब
मैंने आपको उस दिन क्वेश्चन भेजा था तो आपने अच्छा आर ये कहता मुकुल इसके क्लास के बाद है ना आज फोन कर लेना मेरे को मैं करता हूँ आज सर ठीक है ओके सर हाँ बोलो सर ये समझ नहीं आया आपने लिखा है tan square x plus cot square x plus y की वैल्यू 2 है और y plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 0 है तो ये तो 2 equal to 0 नहीं हो जाएगा कैसे 2 equal to 0 हो गया बच्चे सर अगर y plus 1 का स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू माइनस 2 होनी चाहिए ये सर तो आपने मतलब 0 लिख दी थी एक मिनट एक मिनट equals to माइनस 2 होनी चाहिए सॉरी हाँ ठीक है मैंने गलत किया तो ये हमारा क्या आएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस वन वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो y इक्वल टू माइनस वन और tan स्क्वायर x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाय फोर और इक्वल टू वन x प्लस वाई इक्वल टू पाई बाय फोर x इक्वल टू पाई बाय फोर प्लस वन आ जाए बात समझ आ गई अब ठीक है Yes, sir. चलो बच्चे क्लास रिजॉइन करनी है जैसी क्लास खत्म हो जाएगी रिजॉइन करनी है अच्छा अब विधि yes, sir. विधि एक क्वेश्चन तुम बताना बताओ अगर क्वेश्चन आता है tan की पावर 4x प्लस tan की पावर 4y प्लस टू कॉट स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर वाई इक्वल्स टू थ्री प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्वेश्चन में कोई डाउट है ठीक है अब विधि एक बार बताओ कितने वेरिएबल्स हैं दो और कितने इक्वेशंस हैं सॉल्व नहीं हो सकता ना ऐसे ट्रिक लगेगी yes, अच्छा विधि देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ अब इसको लिख रहा हूँ tan square x का होल स्क्वायर प्लस tan square y का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू tan square x tan square y प्लस टू tan square x tan square y इज इक्वल्स टू नहीं सॉरी प्लस आएगा प्लस टू कॉट स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर वाई इक्वल्स टू थ्री प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई डाउट है बच्चे ऐड किया तो इसका क्या फॉर्मूला बना टैन स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर ये बात समझ आ गई यस सर विधि एक चीज बताओ अब कि व्हाट इज जो मैं मार्क कर रहा हूं ये बताओ व्हाट इज दिस इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा ये नंबर और उसका रेसिप्रोकल है कि नहीं यस सर तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2 2 × 2 4 सही है यस सर और ये चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 हाँ कि नहीं और राइट हैंड ये यानी लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू 4 से बड़ी होगी सही है 4 से बड़ी होगी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड हाँ बोलो 4 × 2 भी तो है 2 कहाँ से है बच्चे ये तो खाली इसको 2 लिखा ना मैंने कोई डाउट है तो बोलो बात समझ आ गई विधि हाँ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 4 से बड़ी है और इसकी वैल्यू 3 से 4 है तो सॉल्यूशन कब आएगा 4 पे
तो यानी tan स्क्वायर x इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, tan स्क्वायर y, और tan स्क्वायर x tan स्क्वायर y की वैल्यू कितनी 1, और sin स्क्वायर x प्लस y मस्ट बी इक्वल टू 1। कोई डाउट है विधि? नो सर। अब इससे x इक्वल टू y आ गया, इससे आपका tan की पावर 4x इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब लिख दो tan की पावर 4 पाई बाय 4 लिख लो, x इक्वल टू पाई बाय 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी पाई बाय 4 डाल दो, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x और y की वैल्यू पाई बाय 4 है। बात समझ आई? यस सर। हाँ बोलो सर, ये जो नंबर लाइन है वहां तक तो समझ आ जाता है, उसके बाद आप जो लिखते हो मुझे दिक्कत दे रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। बताओ बोलो बच्चे, क्या डाउट आ रहा है? ये आपने क्वेश्चन कैसे लिखी नीचे, tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर y, sin स्क्वायर x प्लस y इक्वल टू 1, ये अच्छा ये क्वेश्चन कैसे लिखी है, एक मिनट, इक्वेशन कैसे लिखी है ना, समझ नहीं आ रही। अच्छा अब ये बता, मैंने इसका सम 4 बनाया था ना, 4 बनाया था पूरे का। हां यस सर, यस सर। वो कब होगा, जब इसकी वैल्यू 0 होगी। अच्छा हां, इसकी वैल्यू 2 होगी, वही लिखा है मैंने, देख। अच्छा इसकी वैल्यू 2 कब होगी, जब एक वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी और राइट साइड की वैल्यू इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, सही है? यस सर, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है? यस सर। बच्चे क्लास रीजॉइन करनी है, जैसी क्लास खत्म हो जाएगी क्लास रीजॉइन करनी है आज, ठीक है? अच्छा एक काम, हाँ आर्यन बोलो। सर राइट हैंड साइड से x प्लस y की वैल्यू 3 पाई बाय 2 भी हो सकती है। बच्चे मैंने खाली एक सॉल्यूशन निकाल के दिखा रहा हूँ, खाली एक सॉल्यूशन निकाल के दिखा रहा हूँ, जनरल सॉल्यूशन अगर निकालना है तो आपको पूरे सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। मैंने ये कहीं भी नहीं बोल रहा ना 0 to 2π या जनरल सॉल्यूशन, अगर जनरल सॉल्यूशन निकालने वाली बात आएगी तो सारे सॉल्यूशन निकाल के दिखाने पड़ेंगे, ठीक है? कोई डाउट है? नो सर। अच्छा ये क्या होता है, चेतन चेतन कोई डाउट है? नंदनी नंदनी मुकुल सर मेरे को डाउट है। किसको, किस में डाउट है? श्रीशांक, ईशांक बोलो क्या डाउट है? सर ये आपने tan square x equal to tan square y कैसे लिखा सर? बच्चे देख इक्वेशन वैलिड करने के लिए ये जो चीज है, ये वाली चीज जीरो होनी चाहिए, ये जीरो होगा, अब जीरो होगा, ये फोर होगा, तभी आंसर राइट साइड में फोर आएगा। ओके सर आ गया। चलो ईशांक तुम ही बोलो, अब एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है? Yes, अच्छा एक दो चीजें हैं अभी, इसके बाद है ना एक क्लास ज्वाइन करनी है। कितना टाइम रह गया बच्चे, 40 मिनट में? तो एक सर एक कम मोटी बच्चे होंगे, डेढ़ मिनट रह रहा है ना, रह गया क्योंकि दूसरा टॉपिक स्टार्ट कराना है। एक मिनट 10 सेकंड लिखा रहे अराउंड 1 मिनट। अच्छा ठीक है, अभी आप है ना एक काम करो, असाइनमेंट का एक क्वेश्चन कर दो, दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स कर दो, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 कर देना। बस क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1/y, इसके सॉल्यूशन निकालने। कर लोगे जल्दी से ना, एक मिनट के बाद क्लास को रीजॉइन करना, मैं क्लास बंद कर रहा हूँ, ठीक है? एक मिनट के बाद जैसे ही सॉल्व करना ग्रुप पे डाल देना फोटो, जल्दी से जल्दी।